ये देखना भाई, पहली बार ऐसा हो रहा, रोक सी और जूली तने पास पास। और गाइस मैं ये सोच रहा अपने खेत में भी एक जंगली गैंग बनाता हूँ जिससे मेरे सारे डॉग्स की बढ़िया दोस्ती रहे। सो ये गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग चैनल। और गाइस पीछे हो रहा है, सभी के नाम का खाना रेडी। ये तो हो गया पप्पीस का, इसके अंदर है बाकी डॉग्स का। पहले पप्पीस को खाना खिला करता हूँ। पप्पीस की डाइट थोड़ी स्पेशल है, बाकी डॉग्स का खाना भी नॉर्मली चल रहा। ये अपनी जोरा रानी सबसे ज्यादा भूखी सही लगे, खाने के टाइम पे बिल्कुल यहीं पे आके बैठ जा फलुत्ती मार के। और एक ना पता नहीं क्या दिख गया, सिम्बा और रोक दोनों गार्डिंग कर रहे। रोकू कौन है? दोनों बुरी तरह से भोंक रहे, शायद गली में कुछ है। और गाइस सिम्बा और रोक दोनों घर के मेल डॉग है ना, इसलिए भाई पूरी पक्की गार्डिंग करे, ये नहीं भाई घर के अंदर किसी को आने देते। और एक वो लौट रहा अपना गार्ड डॉग चिंटू डॉन। ओए चिंटू, ओ सोतड़ू खड़ा हो जा। नहीं, यो भी घर का गार्ड डॉग है चिंटू। ओए चिंटू, घोड़े बेच का सोन लग रहा। चिंटू नहीं भाई खड़ा हो रहा, चाहे घर के अंदर कोई आ जाओ, इसे पता रोक और सिम्बा संभाल लेंगे, यो बस बड़े बड़े मामलों में उठे। और गाइस इतने तो अपनी मम्मी को देख के खुश नहीं होते जितने मुझे देख के खुश हो जावे। सारे के सारे मेरे पीछे आ गए, सभी को पता चल गया ना कि इनका खाना आ गया। अब भाई एक बार इन्हें सभी को खाना खिलाता हूँ, ज्यादा देर परेशान नहीं करता वरना भाई ये मेरे बुड़के मारन लगेंगे। तो गाइस अभी फाइनली सारे के सारे खाने में लग गए, रोक्सी खड़ी होकर इन्हें देख रही। और गाइस इनमें से एक तो बिल्कुल खाने के अंदर ही घुस गया। ओए गुचड़ू बाहर निकाल पैर, वैसे भाई इनके पैर वैर जो भी गंदे हो जा, बाद में रोक्सी खुद ही साफ कर दे। और गाइस देख लो भाई, रोक्सी है जो मेरे ऊपर एग्रेशन कर रही थी, बट भाई अब कुछ नहीं करती, इसे पता इसके पप्पी इसको खाना खिला रहा मैं। देखना भाई अब तो चाहे मैं इसके साथ कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं कह सकती बिल्कुल भी, वरना भाई पहले तो गुई गू रही थी इसकी। रोक्सी देख तेरा एक पिल्ला आ गया, इसका मुंह साफ कर दे। जो जो पप्पी पेट भर के इसके पास आता रहेगा सभी के मुंह साफ कर देगी। वैसा भाई रोक्सी अपने पप्पीज का पूरा लगाव करे, इतने बड़े बड़े हो गए, बट भाई अब भी नहीं थे पास सुबह रात के टाइम, या पूरा ध्यान रखे इनका। रोक्सी ने जब पहली बार पप्पीज दिए थे, पहली बार तो अपने पप्पीज को दूध भी नहीं पिलावती, बट भाई इस बार तो पूरा ध्यान रख रही। अब भाई एक बार जूली वाले पप्पीज को और खाना खिला खाता हूँ, फिर खाने वाली ड्यूटी हो जाएगी मेरी खत्म। खत्म, आ जाओ भाई नन्ने मुन्नो, खाना आ जाओ, आ जाओ सारे के सारे भोगते हुआ करे, ले आ जाओ। रोक्सी वालों से बस दिखने में छोटे, बाकी इनके सारे काम बड़े बड़े हैं। और गाइस हमेशा की तरह ये सारे सारे खा पी के लेट गए। अब भाई शाम तक ऐसे लेटेंगे, कोई छा में लेट रहा, कोई धूप में लेट रहा। चिंकी तू भी लेट जा। नहीं, बस एक हमारी चिंकी ऐसी है जो दोपहर में सोती नहीं, वरना भाई सारे सारे सोवे, ये लेट रही अपनी मिंकी रानी पर्दे के पीछे। A few inches later. तो गाइस शाम होगी और गाइस आज रनिंग करवानी थी चिंकी की और चिंटू की। चिंकी तो आ रही, बट भाई चिंटू पता नहीं कहाँ जा लिया। चिंकी कहाँ है चिंटू? एक बार रोक्सी को बाहर निकालता हूँ। आ जा भाई रोक्सी रानी, साथ में एक अपना छोटा सा पिल्ला ले दी। आ जा बाहर आ जा, जल्दी आ। या बाहर आई वे सारे अंदर जा लिए। और गाइस पप्पीज को देखो पूरे खुश हो गए, पप्पीज का पूरा जी लगा मेरे बाकी डॉग्स को देख के। ये देखना भाई चिंकी को तो मम्मी समझ रहे, चिंकी का दूध पीने कर रहे कोशिश। और गाइस अब आका तो मेरा इन्हें देने का भी मन नहीं कर रहा, सारे के सारे इतने ज्यादा क्यूट लगे, ऐसा मन कर रहा सभी को ही पाल लूं, बट भाई सभी को पालना पॉसिबल भी नहीं है। देखना भाई कैसे भागे भागे फिर रहे, दिन में मेरा आधे से ज्यादा टाइम इन्हीं के साथ जा, इनकी मस्ती देखने में, कोई सा कुछ करे कोई सा कुछ करे, कभी ये गड्ढा खुद का बैठ जा कभी कुछ करने लगे। जूली को देखो कैनल के अंदर ही आ रही, रोक्सी तो बाहर जा ली थी, बट भाई जूली यहीं पे घूम रही, जूली इनकी दूसरी मम्मी है, ये भी कभी कभी ना दूध पिला ले। तो गाइस अभी जूली को थोड़ा जबरदस्ती लिटा दिया, सारे के सारे पप्पीस इसके पास छोड़ दिए, सारे तो नहीं तीन आ गए, तीन को और लेकर आता हूँ। और गाइस ये देखो इन्होंने तो जूली को ढक दिया, अभी तो पांच ही आए, एक पप्पी पता नहीं कहाँ जा लिया, एक वो बैठा। अरे रोक्सी भी यहीं पे है, रोक्सी खड़ी होकर देख रही, सामने जूली न दूध पियान लग रही, रोक्सी यहाँ पर खड़ी होकर देख रही। रोक्सी नहीं भाई थोड़ा भी एग्रेशन कर रही, और जूली भी बिल्कुल प्यार से लेट गई, नु कह रही पी लो इस वाले पप्पी को और लाता हूँ उठा के। आ जा भाई नन्ने मुन्ने, आ जा फीमेल है शायद, या टिम टिम रानी, ले तू भी दूध पी ले, ढूंढ लगा कुछ जगह ऐसी। सभी का साइज थोड़ा बड़ा है ना, इसीलिए जूली को बिल्कुल घेर लिया, जूली वाले पप्पीस थोड़े छोटे हैं इनसे। मेरा एक मन ये कर रहा जूली वाले पप्पीस को और लेकर आता हूँ, वे भी इनके साथ दूध पी लेंगे, और एक मन ये कर रहा लेकर नहीं आता क्योंकि भाई इसका आटी थने पप्पीस ज्यादा हो जाएंगे। जोरा एक दो को तू पिया ले दूध, जोरा को भी जूली के पास लिटा दिया, ले दूध पी ले इसका, पीला, बट भाई जोरा का तो थना ही नहीं, जूली के नीचे लग रहे सारे। रोक्सी भी आ ली, ओ भाई साहब ये देखना भाई, पहली बार ऐसा हो रहा, रोक्सी और जूली थने पास पास, और कोई सी भी एग्रेशन नहीं कर रही, हो बेटे के शायद रोक्सी और जूली की ऐसी दोस्ती हो सके। देखना भाई कैसे पूछ लान लग रही। रोक्सी और जूली की सारी लड़ाई पप्पीस के ऊपर थी, बट भाई पप्पीस को देख लो जूली का दूध पीने लग रहे, बस इनमें से यो वाला पप्पी ज्यादा माँ का लाडला है, रोक्सी के पास आ गया, नो कह रहा रोक्सी को यही है मेरी असली मम्मी। जूली का पूरा जी लग रहा है ना दूध पिलाने में, देखना भाई कितने आराम से लेट रही, काफी देर होली दूध पिलाते। जूली बेचारी सीधी है, जब मेरे पास कोको वाले पप्पीस थे इसने कोको वाले पप्पीस को भी दूध पिलाया, अब यहाँ रोक्सी वाले पप्पीस को लग रही दूध पिलाना। रोक्सी भी नो कहती होगी मैं तो बिना बात में लड्डू थी, या तो अच्छी बच्ची निकली, वरना भाई इतने प्यार से कोई किसी के पप्पीस को दूध नहीं पिलाता। तू भी लग जा थोड़ी सी जगह ढूंढ का लग जा तू भी। और एक से देखो भाई सिम्बा को कैसे मस्ती कर रहा उस छोटी सी फीमेल के साथ, लो भाई सिम्बा तो शर्मा के चल दिया, सिम्बा तेरे हैं पिल्ले। और गाइस अब रोक को लेकर चलता हूँ खेत में, बार बार आके मेरा खुदे मार रहा, बट भाई एक चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ, जूली को हटाऊं या फिर लगा रहने दूं। मेरा एक मन ये कर रहा जूली को लगा रहने दूं, और एक मन ये कर रहा पीस को हटाता ही हूं, क्या पता मेरे पीछे लड़ाई हो जा। बात तो सही है, वैसे तो भाई लगता नहीं कि इनकी लड़ाई होवे, बट भाई फिर भी इन्हें सभी को हटाता ही हूं। आ जाओ भाई आ जाओ, कल को पियो और ले भाई रोक्सी, यूरा तेरा पिल्ला, आ जाओ हट जाओ
चलो 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 फट दो। अरे तू फिर लग गया, फट जाओ बस, पोत पी लिया। चल भाई जूली खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा जूली, खड़ी हो जा। अरे ये तो फिर से लग गए। अरे यहाँ आया थारी मम्मी, ओ लुल्लू ये आया थारी मम्मी, हटो 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 हटो। सोच रहा रोको आज बुलेट पे लेके चलता हूँ, बार बार बुलेट के पास आ रहा, रोको बुलेट पे चलेगा, आ जा बैठ बैठ जा बैठ जा। तो गाइस अभी रोको लेके खेतम आ गया, और गाइस पीछे से अपने चिंटू की खतरनाक एंट्री होगी, ये देखना भाई सारा सारा कीचड़ में हो रहा। चलो भाई रोको नीचे उतर जा। हाँ ठीक है रोक ली भाई। अब भाई दोनों के दोनों पैर पीट रहे, एक बार रोक और एक बार चिंटू। पहले भाई चिंटू पैर नहीं पीटता करता, बट भाई रोक ने बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। दोनों की जोड़ी पूरी खतरनाक लगे, रोक की और चिंटू की। चिंटू वहां घूम रहा, रोक हो रहा। अरे बस रोको बस, पूरी धरती फटागा। सोच रहा रोक की रनिंग करवाता करवाता अपनी ट्वेल्व पे लेके चलता हूँ, बाइक पर ना बैठना रनिंग करनी। लगवा लिया लगवा लिया, चोट लगवा ली, कमर लगी इसकी एकदम से। ये देखना भाई कितने दूर भाग गया। अरे रोक रुक जा, आराम से ही भाग ले। इसकी पैंट हो रही निकलने को, इसकी बेल्ट निकालनी थी, बेल्ट निकालनी भूल गया। रोकू यहीं कोई मुड़ना, ओए रोकू मुड़ना यहीं कोई मुड़ना, इसी साइड को जाना। चल 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 चलो 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 चलो, आग गनाडिए चलती बाइक, आग गनाडिए चल आगे चल, चलो 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 चलो, सामने अपनी ट्वेल है वाह। चल रोकू चल, बहुत अच्छे, चलो चलो बस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बस। लो भाई तो ट्वेल्व पाते ही पानी में घुस गया। वैसे तो भाई थोड़ी सी रनिंग करवा रखी, पानी की ज्यादा दिक्कत नहीं है। और गाइस पैर देखो चिंटू की तरह बिल्कुल ही काले काले जूते पहन के आ गया। रोकू ला तेरी बेल्ट खोल लू, परेशान हो रहा है इसमें, या बेल्ट ढीली हो रही। चल भाग जा जा। लो भाई बेल्ट निकलवाते ही फिर से पानी के अंदर घुस गया। अब भाई रोकू लेकर दूसरी साइड चलता हूँ, और गाइस अपने खेत में घुमाने का फायदा हो जा, यहाँ पे एक भी डॉग नहीं है। बस हमारे खेत गाँव से थोड़ा दूर है, और सामना गाँव जहाँ पे टावर दिख रहे वो अपना गांव है, और ये सारे अपने खेत है उस ट्वेल्व से लेकर और सामने उस मोड़ तक, ए वहां तक जहाँ वो दूसरे वाली ट्वेल्व दिख रही उसके मोड़ तक, ये सारे अपने खेत है। और एक से देखो भाई रोकू कैसे लूट लूटी लगा रहा, एक बार लौटता लौटता इस वाले खेत में गिर जा, अरे एक बार इस वाले खेत में गिर जा, उस साइड चिंटू मस्ती कर रहा। रोक कभी चिंटू के साथ ज्यादा जी लगे। सामने कहीं से डॉग्स के भौंकने की आवाज आ रही, ये पता नहीं हमारी ट्वेल्व की साइड से आ रही या फिर कहीं पीछे से। वैसे तो इस वाले इलाके में डॉग्स वगैरह कम है, बट भाई भौंकने की आवाज आ रही है। देखो ये देखो भाई उस साइड से भौंकने की आवाज आ रही कुछ। भाई मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मैं खेत में थोड़ा लेट हो जाऊं सूरज भी डल जा, उसके बाद डॉग्स के ज्यादा भौंकने की आवाज आवे। और गाइस मैं ये सोच रहा अपने खेत में भी एक जंगली गैंग बनाता हूँ, जिससे मेरे सारे डॉग्स की बढ़िया दोस्ती रहे। एकदम से तो बनने की नहीं, बट भाई अपने खेत में एक बढ़िया तकड़ी जंगली गैंग तैयार करेंगे काफी सारे डॉग्स की, क्योंकि भाई हमारे खेत में एक भी जंगली डॉग की गैंग नहीं है, वरना भाई सभी इलाकों में कोई ना कोई गैंग घूमती रहे। ओए रोकू तू कहां घूम रहा, जल्दी आ जल्दी आ, बैठ बैठ बैठ। शुक्र है भाई सर अपने पैर गंदे नहीं करे। आ जाओ ओए 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 रोक के बच्चे ने एकदम पैर गंदे कर लिए, इसके अंदर कूद गया था अबे साले। और गाइस रोक की घर तक हल्की हल्की रनिंग करवाता हुआ लेके चलूंगा। चल रोको बहुत अच्छे, चल बेटे चल 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 चल। चिंटू नहीं दिख रहा, चिंटू पता नहीं कहां जा लिया। तो गाइस अभी रोक की थोड़ी सी रनिंग करवा दी, खेत से गांव तक रनिंग करवा दी इसकी। तो गाइस आ गया रोक को लेकर घर पे, और गाइस रास्ते में चिंटू की बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई होगी। और गाइस अपने जोरा को देखो, रोक्सी के पास ही है, खेत में जाने से पहले कैनल के अंदर बंद कर दिया था ना। आ जा भाई जोरा रानी। रोक्सी वाले दो पप्पी ऊपर लेकर आ गया, एक तो हो रहा और एक ही हो रहा, काफी देर से इनके साथ मस्ती कर रहा मैं, बढ़िया जी लग रहा। और गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग इनके साथ ही करता हूं, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।